जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है वो यश जी की है। यश जी जो आपने डिटेल दी है उसको आप मैच कीजिए। बर्थ डेट आपकी 28/9/1998 11:54 PM अर्थात रात्रि का जन्म है आपका उज्जैन बर्थ पैलेस है। मिथुन लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, बुद्ध जिसके स्वामी होते हैं। तो ये सुख भाव में सूर्य के साथ और शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र जहाँ नीच के हैं, बुद्ध उच्च के हैं। सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग, शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग। सुख भाव में मकान के भाव में माता के घर में इन्होंने बनाया है। भाग्य के स्वामी शनि, अष्टम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में मेष राशि में नीच के होकर बैठे हैं। बुद्ध उच्च के होने से, अपनी राशि के होने से, भद्र योग सूर्य के साथ होने से, बुधादित्य योग और शुक्र के साथ होने में लक्ष्मी नारायण योग। मंगल और राहु तृतीय भाव में विराजमान अंगारक योग का निर्माण करते हैं। यह योग अग्निकारक होता है अर्थात क्रोध की अधिकता होती है, नेगेटिविटी की भी अधिकता कर देता है। लेकिन मंगल और राहु पराक्रम भाव में तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ा झगड़े ज्यादा करवाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, वो वाणी पर संयम रखें, लड़ाई ना करें। चंद्रमा माँ का कारक, मन का कारक, सफेद चीजों का कारक, वो केमद्रुम दोष से पीड़ित सप्तम भाव में विराजमान है। तो किसी के साथ रहें तो सही तरीके से रहें ताकि तोड़ने की नौबत ना आए। केमद्रुम दोष से पीड़ित हैं तो परिवार में आपके थोड़े विचार, आपके लक्षण परिवार वालों से थोड़े हटके रहेंगे, अलग रहेंगे। माता से थोड़ी अनबन हो सकती है, सावधान रहें। माता की जितनी हो सके सेवा करें। सूर्य चतुर्थ भाव में थोड़ा अपमान अपयश का शिकार करवा देंगे, स्त्री जाति इसका कारण बनेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर नीच के होकर बैठे हैं एकादश भाव में। तो ये थोड़ा सा आपको कभी कभी जैसे आपके पैसे खोना, चोरी होना और भाग्य में कमी करेंगे। लेकिन भाग्य भाव के स्वामी हैं इसलिए भाग्य अवश्य चमकाएंगे, आपको देंगे जरूर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करवाने के बाद, क्योंकि ये पीड़ित होकर बैठे हैं नीचे भाव में। तो जितने भी आपसे बड़े हैं उनका मान सम्मान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका हर काम बनेंगे। बात की जाती है तो बुध उच्च के हैं, शुक्र नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग। आप अपनी मेहनत से, माँ के आशीर्वाद से, जितनी भी आपकी बड़ी स्त्रियां हैं, जैसे माँ है, अगर आपकी बड़ी बहन है तो बड़ी बहन और दादी नानी, इनका आप आशीर्वाद लीजिए। आपके मकान वाहन सुख में हर चीज में वृद्धि होगी, शीघ्र आपको प्राप्ति होगी। एक तो आपको अंगारक योग की शांति करवानी चाहिए और केमद्रुम दोष की शांति करवानी चाहिए। रुद्राधिष्ठाध्याय का पाठ आप करवाइए किसी भी मंदिर में ताकि आपको केमद्रुम दोष से मुक्ति मिल सके, क्योंकि ये मन को स्थिर रहने नहीं देगा, जिद्दी स्वभाव वाला बनाएगा, ये आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। अब बात करते हैं, देखो आपने पूछा है बैंक पीओ या एसएससी में इनमें सिलेक्शन। वो डूब चुके हैं, अपने राशि में है, सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं और नवमांश में देखा जाए तो सूर्य उच्च के नजर आ रहे हैं। तो 110% आपकी नौकरी पक्की है। आप बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं और एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। आप लग्जरी जिसमें आप बैठ सके, आराम से बैठ कर करने का काम होगा, उसमें आपकी नौकरी लग जाएगी। विदेश में एजुकेशन का योग, स्वामी बनते हैं शुक्र और अष्टम भाव मकर राशि आ रही है जो कि नीच के ऊपर बैठे हैं। आपका चांस तो बनेगा, पढ़ने भी जा सकते हैं लेकिन वहां बदनामी का थोड़ा सा योग रहेगा। तो थोड़ा सावधान रहें और ज्यादा बेहतर होगा कि आप इंडिया में ही रहकर पढ़ाई करें। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। देखो मिथुन लग्न है, चंद्रमा अर्थात कर्क राशि आपकी द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित सप्तम भाव में। मतलब आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, आपकी जिद की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से। तो थोड़ा सा इस चीज, इस दोष का आप शांति अवश्य करवाएं। बाकी सप्तम भाव में चंद्रमा वैवाहिक सुख अच्छा देता है, पत्नी अच्छी मिलती है,
तो ये आप चीज आपको मिलेगी। अब सूर्य की महादशा चली हुई है 11/5/2026 तक, तो तैयारी कीजिए नौकरी के जबरदस्त चांस चल रहे हैं, समय चल रहा है, फायदा उठाइए। लेकिन सूर्य चतुर्थ भाव में है, मैंने कहा मान सम्मान में थोड़ा सा यहाँ ये बल खो देते हैं और रात्रि का जन्म है तो आप खुद ही जानते हैं रात्रि में सूर्य होता ही नहीं है तो निर्बल होता है। पिता की जबरदस्त सेवा करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, 24 बार या एक बार माला अवश्य जपें गायत्री मंत्र की, सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे क्या होगा, आपका सूर्य मजबूत होगा और जो भी आपकी परेशानी आ रही है वो सब चीज दूर होंगी। शनि नीच के हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब आप क्या करना है, देखिए शनि के लिए आपको जितने भी आपके बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। गरीब मजदूर जो भी हैं उनको खाने पीने की चीजें, आपकी जो भी पुरानी चीजें हैं, चमड़े की जूते हैं, चप्पल है, बेल्ट है, या आपके कपड़े हैं या कंबल है, उन चीजों का आप दान कीजिए। कुत्ते को रोटी दीजिए, काले तिल गाय को खिलाइए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए शनिवार वाले दिन, और पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाइए पश्चिम दिशा में मुंह रखकर। और शनि के जो 12 नाम है, शनि देवी पत्नी के 12 नाम है, उनको आप जप कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे आपका साथ देने लगती है। क्योंकि आपके कुछ, मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ इसलिए है क्योंकि आपके जो कुछ दोष हैं, जैसे कि मैं ध्रुव दोष है, अंगारक दोष है, शुक्र भी नीच के होकर बैठे हैं, सूर्य चतुर्भाव में बैठे, तो ये आपको सरकारी नौकरी में इतनी परेशानी नहीं देंगे जितना कि आपको वैवाहिक जीवन में दे देंगे। कोए को, कुत्ते को रोटी अवश्य दीजिएगा, जितनी हो सके बड़ों की, बुजुर्गों की, लंगड़े जो भी हैं, मतलब जो भी अपंग हैं, उनकी आप सेवा कीजिए। शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहां उनको आप तेल चढ़ाइए, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपकी मदद अवश्य करेंगे, देंगे जरूर पर थोड़ा सा देर लगा देते हैं, लेकिन इतने ज्यादा मात्रा में। और स्त्री से अपमान संभव है तो स्त्रियों का जितना हो सके सम्मान कीजिए और उनकी हो सके मदद कीजिए, आपको इस चीज का अद्भुत फायदा मिलेगा। तो इस चीज का आप फॉलो करेंगे तो आपको सब चीज हाथों हाथ प्राप्त होगी। फाइनेंशियल कंडीशन की आपने बात पूछी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध उच्च के होकर बैठे हैं सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में। माता पिता की जितनी सेवा करते रहोगे आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, सब चीज की, सब सुखों की आपके पास में मौजूदगी रहेगी। जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। और भी कई वीडियो हैं, धार्मिक वीडियो भी मैं डालता हूँ, हर चीज़ की मैं वीडियो डालता हूँ, तो आप उस चीज़ को करिए। सूर्य को मजबूत करना है तो थोड़ा सा योगासन प्राणायाम भी अवश्य करिए। हेल्थ अगर मजबूत रहेगी, तोड़ धूप करके रखोगे तो ऑटोमेटिक आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। तो ये तो थी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन, जैसा भी आपको लगा हो तो कमेंट करके आप अवश्य बताइए, और वीडियो को, जितने भी वीडियो हैं उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करने के बाद में, डिटेल देने के बाद में थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि समय लगता है समझने में और वीडियो अपलोड करने में। आपने अगर एक बार डाल दिया तो आपकी वीडियो अवश्य बनेगी, थोड़ा सा धैर्य धारण रखिए। इसी के साथ ही विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।